हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज हम करेंगे। देखिए, उस एपी का 31st टर्म बताइए जिसका 11वां पद आपको दिया गया है और 16वां पद भी दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहले जो जो चीज़ें गिवन है उन्हें हम लिख लेंगे। A11, इसको इसी तरीके से लिखते हैं ना 11वें पद को। A11 कितना है? 38। और साथ ही A16 कितना है? That is 73। और निकालना क्या है? A31। तो कुछ भी निकालने के लिए देखिए, n तो पता है हमें, यहाँ पे n पता है 31। a और d भी मुझे जरूर चाहिए। a और d पता होते ही आप पूरी एपी बना लेते हैं। तो अब जो चीज़ें गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, इनसे ही देखते हैं हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए बेटा, A+10D, A11 को आप कैसे लिखोगे? A+10D, दिस इज 38। A16 को आप कैसे लिखोगे? इसके साथ ही लिख लेते हैं, A+15D, है ना, दिस इज 73। और अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली अगर मैं माइनस कर दूँ इनको आपस में, तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कर दिए, 15 में से 10 गए 5D, और 73 में से 38 माइनस की हमने हमें मिल गया 35। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 7। नाउ ए भी निकाल सकते हो आप, ए की से डी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो A+70=38 एंड ए विल बी -32। अब देखिए, ए मिल गया -32, डी मिल गया 7 और एन भी पता है 31, A31 निकाल देंगे। A31 क्या बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से? A+30D। सो दिस इज -32+30×7। और देखिए, कैलकुलेशन में कभी भी इन टर्म्स को आपस में सॉल्व मत कर देना। यहाँ ये पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन में, दिस टर्म विल बी सॉल्व फर्स्ट। सो दिस इज -32+210, आंसर इज 178। A31 की वैल्यू 178। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी में 50 टर्म्स हैं, इसका तीसरा पद हमें दिया गया है और लास्ट पद दिया गया है। लास्ट कौन सा हुआ? 50th, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, तो हम लिख लेते हैं A3 is 12, A50 लास्ट पद वो कह रहा है, जबकि पद उसमें 50 है, तो A50 हो गया 106 और A29 हमें निकालना है। नाउ अगेन, A+2D is 12, A+49D is 106, माइनस करेंगे आप आपस में तो 47D is equal to 94, D is equal to 2, और D की वैल्यू हम इधर रखेंगे तो A+4=12, A कितना आ जाएगा? 12-4=8। नाउ इस पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, D is 2, N is 29, तो A29 क्या मिलेगा आपको? A+28D, दैट मीन्स 8+28×2, 8+56=64। That's all for today, beta. Keep on learning. Stay blessed.